नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू के फोहर वैज्ञानिक किस्म से व्यवस्थापन करे के शहरी विकास मंत्री राम कुमार झाती की कहना, मंत्रालय से सहयोग करे के प्रतिबद्धता। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर शाह आ उपमेयर डंगोल द्वारा सिस्टोल के अवलोकन, स्थानीय के समस्या शिकायत जल्दी समाधान करे के आश्वासन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटल, तत्काल 10 रुपया समायोजन करला निगम के सरकार के निर्देशन। घातक अस्त्र सब पर प्रतिबंध लगाओ के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय, बंदूक खरीदकर्ता सबके पृष्ठभूमि जांच करला आह्वान। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप एशिया छनोट में नेपाल की विजय शुरुआत। अब पूरा समाचार। शहरी विकास मंत्री राम कुमार झाकरी काठमांडू के फोहर के वैज्ञानिक किस्म से व्यवस्थापन करे के बतौले बानी। काठमांडू के फोहर व्यवस्थापन में सहयोग करे खातिर मंत्रालय पुगल काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह और उपमेयर सुनीता डंगोल संगे के भेंट में वहाँ के ऐसा बतौने हुए। वहाँ के काठमांडू के फोहर व्यवस्थापन अभिन के बड़का चुनौती रहल कहत, फोहर व्यवस्थापन के खातिर नया टेक्नोलॉजी के निर्माण करके आगे बढ़े के आवश्यक रहल बतौनी। मंत्री झाकरी बंचरे डाड़ा में व्यवस्थित तरीका से फोहर व्यवस्थापन करे खातिर मंत्रालय से सकभर सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी। हामी उहाँहरूसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ, हामीले गर्नुपर्ने रिफर्मका सबै काम गर्छौँ र त्यसपछि त्यो चाहिँ एक प्रकारको राम्रो डेस्टिनेसन बन्छ र त्यो डेस्टिनेसनका लागि आज हतार गरेर उहाँहरूले हाम्रो जग्गा अधिकरण गर भन्नु चाहिँ पर्दैन। त्यो भएर त्यो एक प्रकारको ड्रिम डेस्टिनेसन बन्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो भएर त्यो कामका लागि हामी डेडिकेटेड भएर काम गरेका छौँ। वैसे ही काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह मंत्रालय से काठमांडू के फोहर व्यवस्थापन खातिर कली प्रतिबद्धता समय में ही पूरा करे खातिर आग्रह कैनी। हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ भइदिनु पर्यो साँच्चैकै टाइममा। त्यो टेन्डरिङ प्रोसेसदेखि लिएर बाटो बनाउनेदेखि लिएर अरू कुरा त हामीले गर्ने काम त हाम्रो तर्फबाट हुन्छ 100%। तपाईँको पनि 100%, हाम्रो पनि 100% भएर चाहिँ काम। भेटमै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट से सिखल पाठ से आगे बढ्के फोहर व्यवस्थापन गरेको खातिर योजनाके बारेमा बातचित भइल रहे। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह और उपमेयर सुनिता डंगोल सुखके काठमाडौँ उपत्यकाकै फोहर विसर्जन करेवाला स्थान नुवाकोटकै सिसडोलकै अवलोकन कैले बाटे लोग। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह और उपमेयर सुनिता डंगोल सिसडोल पुगे अवलोकन कैले हौ लोग। फोहर व्यवस्थापन के उच्च प्राथमिकता में राखल काठमाडौँ महानगरपालिकाकै नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह दोसरका बेर सिसडोल में पुगल रहने। लंबा समय से काठमांडू उपत्यका के फोहर व्यवस्थापन में समस्या और आ रहला बाद मेयर शाह और उपमेयर सुनीता डंगोल आज सवेरे ही सिस्टोल पुगल रहे लोग। सिस्टोल में वहाँ के भौतिक अवस्था के निरीक्षण करे के साथ स्थानीय सबसे छलफल समेत कैले रहे लोग। मेयर शाह फोहर व्यवस्थापन के अपन प्राथमिकता में रख के तैयारी अगाड़ी बढ़ा रहा बड़न। स्थानीय के समस्या और शिकायत सुनला बाद मेयर शाह तत्काल के खातिर केमिकल रख के गंध हटाव के उपाय अपनाव के आश्वासन दहले बड़न। राष्ट्रीय सभा से संघीयता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन करे खातिर सरकार के निर्देशन देहल गेल बा। राष्ट्रीय सभा के विभेग बैठल बैठक से सभा से स्वीकृत भइल संघीयता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन करे खातिर सरकार के निर्देशन देहल गेल। बैठक में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना, राष्ट्रीय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहल संघीयता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत भइल घोषणा कैले रहे लोग। वहाँ के सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहल संघीयता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की, नंदा चापागाई, प्रमिला कुमारी और देवेंद्र दहाल समर्थन होके दर्ता करौले रहे। प्रस्ताव संसद में निर्णार्थ प्रस्तुत कैले रहे लोग। प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सभी सांसद से सहमति जनाल गेल रहे। यो प्रस्ताव को पक्ष में होने माननीय सदस्य भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनेन। तसर्थ माननीय खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र माननीय जितेन्द्र नारायण देव, माननीय गोपी बहादुर सार्की आछामी, माननीय नन्दा चपाई, माननीय परिमला कुमारी र माननीय देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभामै दर्ता भइल संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव फर्के छलफलमै सांसद लोग संहिता के मर्म मुताबिक तीनों तह के राज्य सञ्चालन होके परे के धारणा रखले रहे लोग। नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से केंद्रीय कमिटी के निर्णय सार्वजनिक करे के तैयारी कल गई। बीतल जेठ 12 गते से 16 गते तक 4 दिन तक चलल पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक के निर्णय सार्वजनिक करे खातिर आज राष्ट्रीय नाचघर जमल पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कल गई। पार्टी से नेता साहब धर्मेन्द्र बास्तोला और हेमंत प्रकाश ओली निकलला के बाद पहिलका बेर विप्लव समूह के केंद्रीय कमिटी बैठक बैठे लागल हुए। पार्टी स्थानीय तह के निर्वाचन में जाए के भैला बाद उ पार्टी भीतर बढ़ल विवाद अंततः विभाजन तक पुगल रहे। विप्लव नेतृत्व से नेकपा के ही निरंतरता देहत 13वां पूर्ण बैठक के आयोजना कल गेल रहे। आवेला कुआर 1 गते पार्टी के महाधिवेशन करे के निर्णय समेत कैले बाटे। उन्हें ओली बास्तोला समूह आवेला फागुन में महाधिवेशन करके पार्टी के पुनर्गठन करे के निर्णय कैले बा। 5 से 11 वर्ष तक के नेपाली बाल बालिका के 9 आषाढ़ से कोविड विरुद्ध के खोप लगाव के हिसाब से जनावल गई बा। 5 वर्ष से 11 वर्ष के बाल बालिका के खातिर कोविड विरुद्ध के खोप 25 जेठ में आपुगे के भइल बाटे। ई उम्र के बाल बालिका के खातिर फाइजर से बनावल पेडियाट्रिक खोप पहिलका बेर 25 जेठ में आ रहल बा। कोवैक्स सुविधा मार्फत 84 लाख डोज खोप निःशुल्क आवे के निश्चित भइला पर पहिलका चरण अंतर्गत 25 जेठ में 20 लाख मात्रा आवे के स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोत जनौले बा। स्वास्थ्य के अधिकारी सबके मुताबिक 2 चरण में खोप देवे के और पहिलका चरण में 27 जिला के 19,19,040 बाल बालिका के 9 से 15 आषाढ़ तक पहिलका मात्रा देहल जाई। ऐसे ही ई अवधि में पहिलका मात्रा लगाओल सबके दोसर का मात्रा 2 से 8 सावन तक देवे के मिले। वैसे ही बाकी 50 जिला में पहिलका मात्रा 5 से 11 भादो तक संचालन हो कि उसके दोसर का मात्रा 27 भादो से 1 कुआर तक मिली। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटौले बाटे। निगम सुख के राति 12 बजे से लागू होला हिसाब से पेट्रोल डीजल और मट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति लीटर 10 रुपया घटौल हुए। मूल्य घटलासंगे पेट्रोल के खुदरा बिक्री दाम प्रति लीटर 170, डीजल और मट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य प्रति लीटर 153 रुपया कायम भइल बा। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि से जनजीवन प्रभावित भइल कह चौतरफी दबाव बढ़ला बाद सरकार तत्काल के खातिर पूर्वाधार कर बराबर के 10 रुपया पेट्रोलियम पदार्थ के खुदरा मूल्य में समायोजन करे के निगम के निर्देशन दहल रहे। निगम के मुताबिक खाना पकावेला एलपी गैस और हवाई ईंधन के मूल्य यथावत राखल गई। निगम जनौले बा अभी एलपी गैस के मूल्य प्रति सिलेंडर 1,800, हवाई ईंधन आंतरिक के प्रति लीटर 166 रुपया और हवाई ईंधन अंतर्राष्ट्रीय के मूल्य प्रति लीटर 1.54 रुपया अमेरिकी डॉलर बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बंदूक के कारण होखे वाला हिंसा और हत्याकांड रोके के खातिर घातक किस्म के अस्त्र सब और उच्च क्षमता के मैगजीन सब पर प्रतिबंध लगाओ के बतौले बानी। अमेरिकी कांग्रेस से वैसन हाथ हथियार के गैर कानूनी बनावे ना सके के उ हथियार खरीद करे वाला उम्र 18 से 21 वर्ष पुगाव पड़े के बाइडेन के कहना बाटे। देश में भइल श्रृंखलाबद्ध गोलीकांड के बाद राष्ट्रपति बाइडेन उ भनाई आयल हुए व्हाइट हाउस से बोलत वहाँ के बंदूक खरीदकर्ता सबके पृष्ठभूमि जाँच के ख्याल करे खातिर आह्वान कैले बानी। वैसे ही देशव्यापी रूप में रेड फ्लैग लॉ के विस्तार में भी वहाँ के जोर दहले बानी। वैसन कानून से कोनो भी हथियारधारी व्यक्ति द्वारा दूसरा परवा अपने पर भी खतरा भइल थानला पर वैसन व्यक्ति से के हथियार ओकरा से लेवे के आदेश दहल अदालत के अनुमति बाटे। वहाँ से खतरनाक और बहुत क्षमता के बंदूक सब सामान्य आदमी के आवश्यक ना पड़े के तरफ संकेत कैले बा। अमेरिका के बफेलो, न्यूयॉर्क, टेक्सास,
ओक्लाहोमे लगायत के क्षेत्र में अभी के दिन में भइल गोलीकांड के पृष्ठभूमि में बाइडेन उ आह्वान कैने हुए। अब खेलकूद समाचार। नेपाल आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्वकप एशिया छनौट में विजय शुरुआत कैले बा। मलेशिया के यूकेएम ओभल में काल्हू आजू सु कतार के 79 रन से हरावत नेपाल सुखद शुरुआत कैले हुए। नेपाल से दहल 118 रन के लक्ष्य पीछा कैल कतार 15 ओवर चाल बॉल में ऑल आउट होकर 38 रन ही बनावे सकल। कतार के खातिर कप्तान साची ढलवाल 14 रन जोड़लिन। श्रुति बेन कमलेश भाई राणा भी 14 रन जोड़लिन। कतार के सस्ता में समेटे खातिर नेपाली सृष्टि जयसी 3 विकेट लेहली। नेपाल के खातिर आसमा पुलामी मगर अभिजीत रहत 32 रन बनौली। वैसे सृष्टि जैसे अभिजीत 23 रन जोड़ली। सानू राजवंश 21 रन। अंजलि विश्वकर्मा 11 और किरण कुमारी कुंवर 1 रन जोड़ के आउट भेल। कतारी साची ढलवाल और अलीना खान 1-1 विकेट लेलकलक। वैसे भूटान विरुद्ध सोमवार के खेला पर नेपाल मंगर के थाईलैंड और बिफे के मलेशिया विरुद्ध खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमांडू के फोहर वैज्ञानिक किसिम से व्यवस्थापन करे के सहकारी विकास मंत्री राम कुमारी झाकी का आह्वान। मंत्रालय से सहयोग करे के प्रतिबद्धता। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर शाह उपमेयर डंगोल द्वारा सिस्डोल के अवलोकन। स्थानीय के समस्या शिकायत जल्दी समाधान करे के आश्वासन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटन तत्काल 10 रुपया समायोजन करेला निगम के सरकार के निर्देशन। घातक अस्त्र सब पर प्रतिबंध लगाओ के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय। बंदूक खरीदकर्ता सबके पृष्ठभूमि जांच कर लाहवन। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्वकप एशिया छनौट में नेपाल के विजय हुआ। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।